दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे टेम्परली डिलीट करते हैं और परमानेंटली डिलीट करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है, कि काफी ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर है जिनको दिमाग में यही कंफ्यूजन रहती होगी, भाई अकाउंट डिलीट तो कर रहे हैं लेकिन कंफर्म परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, टेम्परली डिलीट कर रहे हैं, उसमें फर्क क्या है। और अगर हम अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं, डिलीट करते हैं, टेम्परली डिलीट करते हैं, उसका मतलब डीएक्टिवेट ही होता है वैसे, परमानेंटली डिलीट करते हैं तो उस अकाउंट को डीएक्टिवेट और डिलीट करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे सवाल है डिलीट और डीएक्टिवेट को लेकर। तो सभी सवालों के आपको जवाब आज की वीडियो में देने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परली डिलीट करने के बारे में। तो टेम्परली डिलीट का दूसरा नाम है टेम्परली डीएक्टिवेट। अपने अकाउंट को हम डीएक्टिवेट रख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कुछ टाइम तक यूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपके कुछ एग्जाम आ गए हैं या फिर कुछ दिनों के लिए आप इंस्टाग्राम से खुद मन से ब्रेक लेना चाहते हैं, कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से आप चाहते हैं कि भाई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं एक महीने तक यूज ना करूं लेकिन बाद में मैं एक महीने बाद फिर से इसको यूज करना चाहता हूं और परमानेंटली डिलीट कर दूंगा तो मेरे अकाउंट को मैं वापस यूज नहीं कर पाऊंगा, तो ये इस टाइम इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परली डिलीट करने में यही बेनिफिट है। आप अपने अकाउंट को कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं और वापस बाद में यूज करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को आप टेम्परली डीएक्टिवेट या फिर टेम्परली डिलीट कर सकते हैं, बाद में कभी भी आपका मन करे तो अपने अकाउंट को आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और परमानेंटली डिलीट करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कभी भी यूज नहीं करना चाहते हैं, कि भाई चाहते हैं कि मेरा अकाउंट ये तो बेकार है मैं इसको कभी भी यूज नहीं करूंगा, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दें, वो आपका कभी भी किसी को शो नहीं होगा, ना ही आप यूज कर पाएंगे। टेम्परली डिलीट करने के बाद तो आप यूज कर पाएंगे, परमानेंटली डिलीट करने के बाद यूज नहीं कर पाएंगे। और टेम्परली डीएक्टिवेट या फिर टेम्परली डिलीट करने के बाद आप अपने अकाउंट को मन करे तब तक अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट रख सकते हैं और आपका मन करे तब आप उसको अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे एक महीने, दो महीने, एक साल, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई टाइम लिमिट इंस्टाग्राम ने नहीं दी है कि आप अपने अकाउंट को टेम्परली डिलीट कब कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इसका, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट रखेंगे, यूज करना हो बस सिंपली लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया तो आपके पास 30 दिन होंगे, बस 30 दिन के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। 30 दिन से पहले पहले अगर आपका अकाउंट यूज करने का मन हो तो 30 दिन से पहले उसको लॉगिन कर लेना, अकाउंट आपका फिर भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। और एक बार जैसे आपने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट को जैसे आपने आज डिलीट कर दिया, तो 30 दिन तक तो वो डीएक्टिवेट रहेगा, यानी 30 दिन तक वो आपका अकाउंट किसी को भी शो नहीं होगा, लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा लेकिन वैसे अदर पर्सन को किसी को भी शो नहीं होगा। 30 दिन के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आपको भी नहीं दिखेगा और किसी और को भी नहीं दिखेगा, लेकिन डिलीट होने से पहले 30 दिन तक वो डीएक्टिवेट ही रहता है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद फॉलोवर्स तो नहीं घट जाते हैं, रील्स वगैरह, कोई लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह कुछ गायब तो नहीं होता है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद जैसा अकाउंट आपने जिस कंडीशन में डीएक्टिवेट किया उसी कंडीशन में वापस मिलेगा, ना तो कोई व्यूज वगैरह, लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह कुछ डिक्रीज होंगे, ना ही फॉलोवर्स। फॉलोवर्स में डिक्रीज होने में एक कंडीशन ये है कि फॉलोवर्स आपके डिक्रीज हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करने से नहीं होता है। आपका अकाउंट जब एक महीने तक या फिर एक साल तक डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा, आप उस पर कुछ कंटेंट ही नहीं डालेंगे, तो कंटेंट न डालने की वजह से लोग आपको अनफॉलो कर सकते हैं, या फिर उनमें से आपके फॉलोअर्स में से कोई अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट करके चला गया तो वो फॉलोअर भी आपका कम हो जाएगा। कुल मिलाकर अकाउंट डीएक्टिवेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपके अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है, इस वजह से फॉलोअर्स घट जाते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का ये नुकसान भी है, और अगर आप कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है अकाउंट को डिलीट करने में और परमानेंटली डिलीट करने में और टेम्परली डिलीट करने में, दोनों का फ़र्क आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई अगर अदर सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका भी जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।